नमस्कार, माँ क्रिएशन आर्ट चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ और भी आर्ट वर्क आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ, तो इस बार मैं जो आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वो पुरानी चूड़ियों के से बना हुआ बिल्कुल ही नया और यूनिक डिज़ाइन की चूड़ी है। आप लोग भी देखिए और आप लोग बताइएगा कि कैसा बना है। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने पुराना चूड़ी ली हूँ जो कि मेरे लिए बहुत दिनों से रखा हुआ था, आप सभी के पास भी होगा। और उसके लिए सबसे पहले मैं ली हूँ जो लकड़ी को जोड़ने के लिए फेविकॉल आता है, क्योंकि उसमें थोड़ी नॉर्मल फेविकॉल से ज़्यादा मजबूती होती है। तो इस फेविकॉल के द्वारा मैं अपनी चूड़ियों को जितनी भी क्वांटिटी होगी उसके अनुसार मैं जोड़ लूँगी। और दूसरा जो मैं ली हूँ फिर ये नॉर्मल जो फेविकॉल आता है इससे मैं रिबन को अटैच करूँगी अपनी चूड़ियों पर। और ये जो मैं ली हूँ वो है कॉटन कपड़े का कट ली हूँ, आप चाहें तो रिबन भी ले सकते हैं, साटन रिबन जो मार्केट में अवेलेबल होता है, पर मैं ये कॉटन कपड़े का ही ली हूँ जो मेरे पास अभी था। और इसके साथ मैं जो ली हूँ वो है अपने इच्छानुसार मिरर। तो अभी मैं इस फेविकॉल के द्वारा दिखा रही हूँ कि इन चूड़ियों को जोड़कर देखिए ये कैसा बन गया है। यहाँ पे मैं 6 से 8 चूड़ियों को इकट्ठा चिपका ली हूँ और कुछ देर के लिए छोड़ दी हूँ। उसके बाद इसकी पकड़ बहुत ही मजबूत हो गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूती आ गई है इस चूड़ी में सूखने के बाद। अब मैं इस पे फेविकॉल का लेयर लगा रही हूँ ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ से, अच्छे से मिला लेना है, उंगली के द्वारा मिला लेना है अच्छे से। और उसके बाद फिर हम रिबन लेते हैं अपना जो हमने कट किया हुआ है। रिबन को हम जब भी लेंगे तो ज़्यादा ही लेंगे, लंबी कट लेंगे, एक ही कट हो, बड़ी सी कट हो, और उसको एक उंगली से पकड़कर चारों तरफ से दबाते हुए अपने अंगूठा और उंगली दोनों का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से उसको दबाते हुए लपेटते जाना है अपनी चूड़ी को, कवर करते हुए पूरी चूड़ी को कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद जो लास्ट का जो कॉर्नर बचता है उसको भी हम एक्स्ट्रा गम दे करके, एक्स्ट्रा फेविकॉल दे करके अच्छे से चिपका लेंगे और उसको एक बार फिर फाइनल टच देते हुए चूड़ी को घुमाते हुए अच्छे से सभी जगह से उसको दबा दबा करके उसको चिपका लेना है कि कहीं से अगर थोड़ा सा भी अगर एयर ले लेता है तो वो सही हो जाए। ये देखिए हमारी चूड़ी बन करके रेडी हो गई है। इसका जो थोड़ा बहुत कट निकल गया कपड़े का टुकड़ा उसको हम फिनिश कर लेंगे कैंची के द्वारा। अब मैं चूड़ी सूखने के बाद इस पे वाइट एक्रेलिक कलर से अपने जो भी मेरे को डिज़ाइन समझ में आया सिंपल डिज़ाइन वो मैं बना रही हूँ। जब आपका एक लेयर सूख जाए एक्रेलिक कलर का तो फिर आप इसे सूखने के बाद दूसरी लेयर भी दे देंगे फाइनल करते हुए, क्योंकि वो ज़्यादा उभर कर आएगा, कलर काफ़ी ज़्यादा उभर कर आता है डबल लेयर देने के बाद कलर का। जब मेरी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई तो उसको फिर हम लोग सूखने के लिए छोड़ देंगे, जब 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से सूख जाए। उसके बाद फिर हम लोग फेविकॉल लेते हैं और जो हमने मिरर लिया था, आप चाहे तो राउंड मिरर भी लगा सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से किसी तरह का लगा सकते हैं। मैं बर्फी शेप का मिरर लगा रही हूँ यहाँ पे। कुछ देर के बाद उसको भी अच्छे से हाथ से अपने चिपका देना है कि थोड़ा सा भी कहीं तिरछा हो या ढीला हो तो वो अच्छे से अटैच हो जाए। जब हमारा मिरर चिपक कर रेडी हो जाता है चूड़ी पे
तो फिर इसके लिए फिर हम एक्रेलिक कलर और भी लेते हैं एक्स्ट्रा उसको डेकोरेशन करने के लिए, जिसका मैं साइड में जो स्पेस बचा है उसको बूंदी डिज़ाइन देते हुए कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोग भी देख सकते हैं, बिल्कुल ही थोड़ा सा ही मेहनत में, थोड़ी ही मेहनत में हमारी चूड़ी बन करके सी पुरानी चूड़ी का क्या लुक बन गया, कैसा लग रहा है। आप लोग भी अपने लिए ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। मेरे चैनल पे और भी बहुत तरह की छोटी छोटी और अच्छी वीडियो दी हुई है, ट्यूटोरियल से लेकर कुछ भी, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारी चूड़ी बनकर रेडी हो गई है, आप लोग को कैसा लगा बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।